बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर विवाद खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। शाहरुख खान की पठान के बाद अब अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म OMG 2 को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने OMG 2 फिल्म का विरोध करते हुए कहा कि फिल्मों के जरिए हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि बॉलीवुड लगातार अपनी फिल्मों के माध्यम से हिंदुओं को टारगेट करने का कार्य कर रही है। बॉलीवुड में एक ट्रेंड सा बन गया है हिंदू धर्म को लेकर कोई कॉन्ट्रोवर्सी अपनी फिल्म में डाली जाए जिससे फिल्म हिट हो जाए, लेकिन अब ये ट्रेंड नहीं चलने वाला है। आगे महंतपुरी ने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को भगवान भोलेनाथ पाताल लोक में भी जगह नहीं देंगे। महंतपुरी ने कहा कि फिलहाल तो सेंसर बोर्ड ने OMG 2 को रिलीज करने की अनुमति नहीं दी है, अगर सेंसर बोर्ड अनुमति देगा तो हम इस फिल्म का विरोध करेंगे। देखिए अभी जो है सेंसर बोर्ड ने इसको परमिट नहीं किया है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर ये दोबारा फिल्म रिलीज होती है तो इसके लिए विरोध किया जाएगा, परंतु आजकल एक और नियम बना है कि फिल्मों का विरोध होने से फिल्म हिट हो जाती है, और ये लोग इसीलिए ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि फिल्म में कोई ऐसे सीन रखो जिससे सनातन की बदनामी हो जाएंगे, सनातनी उठेंगे, विरोध करेंगे और उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। परंतु वो जो ऊपर बैठा हुआ है, जो भगवान बैठा है, शंकर बैठा है, वो उनको हिट नहीं होने देगा, उनको वो जो है ऐसे पाताल में घुसेड़ देगा, वो जीवन में याद रखेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।